नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पर का कंबाइंड बॉक्स। ये आप जो बॉक्स में देख रहे हैं ये हॉस्पर का कंबाइंड बॉक्स है। आज हम इसी का वायरिंग के बारे में आपको बताएंगे और कैसे इसको हम वायरिंग करेंगे। अभी ये देख रहे हैं ये हॉस्पर कंपनी का कंबाइंड बॉक्स है। देखिए, ये जैसे कि हमारे सामने इसके अंदर पैकेट में था बॉक्स में, इस बॉक्स को रखते हैं हम साइड में। अब इसमें हमको जो वायरिंग करना है, ये दो स्विच दे रखा है, दिया हुआ है ये 5 पिन का। 5 पिन कैसे, 2, 2, 4, 1, 5, यानी कि 5 पिन का ये सॉकेट है और साथ में 2 स्विच दे रखे हैं और 2 पिन का सॉकेट हमारा ऊपर है। अब हम इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। आप अगर हमारे वीडियो के साथ पूरा बने रहेंगे तो आगे चल के आपको इस तरह का कंबाइंड बॉक्स की अगर वायरिंग करनी होगी तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये जो 4 स्क्रू दिए हुए हैं इसको ओपन करते हैं। उसकी वायरिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, एक टेस्टर और साथ में थोड़ा सा कुछ वायर जो कि हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। अब हम इसको ओपन करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं। 4 स्क्रू थे, 4 स्क्रू को हमने खोल लिया और खोलने के बाद से ये देखिए, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कंबाइंड बॉक्सों में इस तरह के नट होते हैं, ये नट इसी में गिर गए होते हैं। इसको हमें बारीकी से इसके पीछे लगा लेना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक यहाँ का निकला हुआ है और एक यहाँ का, तो ये जो स्क्रू है जी, तो अब इस स्क्रू को हम वापस इसी में ले जाकर टाइट कर लेंगे। देखिए, ये जैसे हमने इसको टाइट कर दिया यहाँ पे फिर, और ये एक यहाँ का था, यहाँ पे कर दिए इसको टाइट करने के बाद से। अब हमारे पास समस्या ये आती है कि हम सबसे पहले वायरिंग का स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जितना न्यूटन है, एक फेस होता है और एक न्यूटन होता है, तो सबसे पहले हम जितने ये एक इसमें का जो कि है सारे न्यूटन से वायरिंग कर लेंगे और एक न्यूटन का वायर निकाल लेंगे। तो चलिए आइए हम पहले एक न्यूटन की वायरिंग करते हैं। अब इस वायर को छीलने के लिए हमें एक इस तरह का कटर जरूरत पड़ेगी जो वायर सीपर है। इन चारों को पहले यहाँ तक जो कि न्यूटन के वायर पहुंचा देते हैं। जैसे कि आप इसको एक यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कर लीजिए कितना दूरी है। तो अब यहाँ तक का मेजरमेंट हमने कर लिया। अब इसके बाद से इसको ऐसे हम यहाँ से काट लिए वायर को। काटने के बाद से इसको वायर स्लीपर की मदद से हमने इस वायर को छीला। अगर आपको इस तरह का कंबाइंड बॉक्स की जरूरत है अपने घरों में लगाने के लिए, या आप एक दुकानदार हैं और इस तरह का कंबाइंड बॉक्स की आपको ज़रूरत है या वायरमैन है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बल्क क्वांटिटी में ले सकते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रहा होगा हम किस तरह वायरिंग कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे हमको 2 वायर यहाँ से निकालना होगा, एक यहाँ पे, ये जो न्यूटन है डायरेक्ट हम इसको रखते हैं। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जो भी हम हमारा फेस होता है उसको हम स्विच में डालते हैं। तो हमें इस सॉकेट के लिए क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, एक न्यूटन आना चाहिए और एक फेस आना चाहिए। तो फेस की वायरिंग हम यहाँ से करेंगे और न्यूटन का ये सारा एक में हम इसको मैच कर दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ से, अब हम एक वायर, सबसे पहले एक वायर यहाँ से यहाँ तक लाया, इस सॉकेट को टच कराया। अब जो न्यूटन का है इसमें एक टच करेंगे। देखिए, ये यहाँ पे इसको ऐसे डालेंगे इस साइड से और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हमने टाइट किया यहाँ पे, बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे टाइट हो गया। एक वायर जैसे कि इसमें डालेंगे हम। आप हमारा वीडियो देखने के बाद से बिल्कुल बारीकी के साथ आप वायरिंग कर सकते हैं अपने इस तरह के कंबाइंड बॉक्स का। इसमें हम कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हम फॉरवर्ड कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी A to Z। बच्चा भी हमारा वीडियो देखने के बाद से वायरिंग कर सकता है। यदि आप नॉन टेक्निकल भी हैं तो भी आप बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह का कंबाइंड बॉक्स की वायरिंग अब आप कर सकते हैं, आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये जैसे हमने निकाल दिया इस सारे सॉकेट के पास, अब जो कि है जैसे यहाँ पे एक इंडिकेटर दे रखा है, अब इस इंडिकेटर को
हमें किस चीज के लिए यूज करना है, यानी कि जब लाइट इसमें आए तो ऑटोमेटिक जलते रहे, तो ये जहाँ पे है हमको वहीं पे छोड़ दें। यदि आप चाहते हैं कि ये इंडिकेटर का प्रयोग, अब मैं जैसे स्विच नीचे का ऑन करूँ तो ये जल जाए, तो इस इंडिकेटर का जो एक पिन है यहाँ से निकाल कर हम इन दोनों स्विच में से किसी में भी एक में लगा देंगे, तो ये जो कि है एक स्विच ऑन करेंगे वैसे ही इंडिकेटर जल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे ये जानने के लिए कि क्या लाइट इसमें आया है कि नहीं आया है डायरेक्ट, अब इसको हम यहाँ से कनेक्शन कर देते हैं। फाइनली ये आपका जो न्यूटन का कनेक्शन है पूरा हो गया, जैसे ये यहाँ पे एक पिन पे यहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। चाहे आप इधर से डाल दीजिए इसको, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, आपको ये जैसे आप काटते हैं और ये कभी कभी छोटा पड़ जाता है तो थोड़ा सा बड़ा हिस्सा भी काट सकते हैं, लेकिन हम जरूरत नहीं है। ये जो स्क्रू दे रखा है आप इसको पूरी तरह से खोल लीजिए ऊपर तक और आसानी के साथ ही घुस जाएगा, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी, किस तरह का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये हमने इसको टाइट कर दिया, न्यूटन की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी के साथ देख सकते हैं। जैसे कि हमने एक साइड का पूरा वायरिंग कर दिया है, अब करने के बाद चाहते क्या है कि मतलब स्विच से ये जैसे कि दो साइड का दे रखा है, तो मतलब एक तरफ का जो हिस्सा है एक स्विच से कंट्रोल हो और दूसरे साइड का हिस्सा दूसरे स्विच से कंट्रोल हो। यानी कि यदि हमारे पास इसमें दो तरह का उपकरण हमने लगा रखा है, मोस्टली जो यूज होता है इस कंबाइंड बॉक्स में, तो ये ऊपर के टू पिन के जो सॉकेट होते हैं वो कम यूज लोग करते हैं, बट ये जो 5 पिन का सॉकेट दे रखा है इसका यूज ज़्यादा होता है। सपोज अगर आपके ऐसा उपकरण है जो कि आप एक बंद रखना चाहते हो एक चालू रखना चाहते हैं, तो यदि हम दोनों का वायरिंग एक ही स्विच से कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम एक साइड का हिस्सा एक स्विच से करते हैं, दूसरे साइड का हिस्सा दूसरे स्विच से कर रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि कैसे इसकी वायरिंग करेंगे। जैसे कि इस नीचे वाले हिस्से का जो कि है हम इस तरफ इस साइड का पूरा वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको और इसको इन दोनों को हम फेस को मिला लेंगे। अब इसको जैसे कि यहाँ से हमने इस तरह का वायर काट के रखा हुआ है, अब इसको हमने यहाँ से खोला, खोलने के बाद से ये यहाँ पे जो कि है ये वायर को निकाल के रखे रहेंगे, वायर को यहाँ पे डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे स्क्रू से टाइट कर देंगे। उसके बाद से अब दूसरा कनेक्शन अब हम यहाँ पे करेंगे, दूसरा कनेक्शन हम यहाँ पे करेंगे, इसको ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे इसको, और यहाँ पे हम ये जो कि है थोड़ा सा इसको इस तरह करेंगे और यहाँ पे जो ये होल दे रखा है इस होल में लाकर इसको हम डाल देंगे यहाँ से। अब डालने के बाद से जो कि है हमको इस हिस्से का कंट्रोल इस स्विच से करना है, तो यहाँ पे जो फेस हम डालेंगे इसमें वो नीचे की तरफ रहेगा, जैसे ही हम ये स्विच ऑन करेंगे वैसे ही हमारी सप्लाई इन दोनों सॉकेट में आ जाएगी। तो आइए अब हम इसका स्विच से इसका कनेक्शन करते हैं, यानी कि हमें एक ही जगह पे वायर को लगाना है यहाँ से यहाँ पे। इसके साइज का हम एक वायर कट करेंगे, जैसे यहाँ से हमने मेजरमेंट किया और इतने साइज का वायर को हम कट करते हैं। अब हम जो कि है ये फाइनल वायरिंग कर लिए हैं फेस का, और फेस को इस सॉकेट को हम इस स्विच से टच करने के लिए यहाँ से ये डालेंगे इस तरह का वायर, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। इसे हमने टाइट कर लिया, देखिए बिल्कुल टाइट हो चुका है। इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलेंगे। कभी भी हमको भी जब भी सॉकेट में वायरिंग करना हो, यानी कि सॉकेट का कनेक्शन कर रहे हैं, तो हमेशा नीचे की तरफ रखिए, जिससे कि नीचे की साइड में रहता है। नीचे रखने से हमारा जो कि स्विच नीचे की तरफ करेंगे तभी ऑन होगा। ये रहा नीचे की तरफ, हमने इसकी कनेक्शन कर ली पहले सॉकेट में। अब हमारा ये जैसे ही सॉकेट हम यहाँ से ऑन करेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। अभी हमने फाइनल सप्लाई नहीं दिया है, अभी हम आपको बताएंगे कि आपको फाइनल सप्लाई कैसे देंगे। सबसे पहले ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं अब इस सॉकेट से, और ये जो यहाँ पे सॉकेट दे रखा है टू पिन का, जैसे कि हमको यूज क्या करना है कि जब हमारा लाइट हम उसमें सप्लाई दें तो ये इंडिकेटर जलता रहे, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, ऐसे ये जो कि है इंडिकेटर निकालना पड़ेगा, और हम जो मेन सप्लाई देंगे वो एक इस वाले सॉकेट पे देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ से ये जो इंडिकेटर का है इसका एक वायर निकाल लिया है। निकालने के बाद से अब हम
इस सॉकेट को इस सॉकेट से मैच करवा देंगे, यहाँ तक वायर को ला देंगे। ये जैसे हमने पिन को डाला यहाँ पे, ये वायर को डाला हमने, और इसकी स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद से यहाँ पे 5-pin सॉकेट का स्क्रू ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से ये हो गया आपका। कभी भी जब भी वायरिंग करें तो कोशिश करें कि इस तरह का जो वायर है अच्छी क्वालिटी का यूज करें, और साथ ही में कभी भी छिला हुआ ना हो, नहीं तो क्या होगा कि आपस में टच होके शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। बिल्कुल बारीकी के साथ आप वायरिंग करें। इसमें आप एक बार अगर आप इस तरह वायरिंग कर लेते हैं तो इसमें किसी भी तरह का फॉल्ट नहीं होने वाला है। अब यहाँ से एक वायर और हम ये स्विच तक लाएंगे ऐसे, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं जैसे इस वाले में होल में, थोड़ा सा इसको ऊपर, बिल्कुल ये जो सॉकेट में से ये ऊपर वाले स्विच में हम इसकी कनेक्शन कर देंगे। अब हमारा ये कनेक्शन जो की है फाइनल हो चुका है, सॉकेट से स्विच तक का ये सफर पूरा कर लिया है। अब ये हो गया हमारा फाइनल। इसके बाद से अब हमारी बारी आती है वायरिंग के लिए। जो मेन हम सप्लाई डालेंगे इस स्विच में, तो यहां से यहां तक का हम लूप कर देंगे, यानी कि इस स्विच से इस स्विच को एक दूसरे से एक वायर ऐसा डालेंगे जो एक दूसरे को मिलाता हो, यानी कि यहां से यहां तक का मेजरमेंट हम कर लेंगे। और इसमें जो कि ये सप्लाई वो आपके मेन लाइन से यानी कि मेन से डायरेक्ट आएगी। जैसे कि अब यहां से हम इस ऊपर वाले स्क्रू को खोलेंगे, और यहां पे हमने इस एक छोटे से वायर को डाल लिया। वायर को डालने के बाद से अब हमें क्या चाहिए, हम जब लाइट हमारी आए तो इंडिकेटर जल जाए, यानी कि इस इंडिकेटर का एक वायर और इसका एक वायर दोनों को हम ऊपर वाले स्विच में डाल देंगे स्क्रू ड्राइवर से खोल के। ये हमने खोला इसको और आसानी के साथ यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। देखिए यहाँ पे जैसे कि छोटी सी जगह है तो इसका कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो गया है। एक अपना मेन वायर जो कि बाहर बोर्ड में या कहीं भी किसी भी तरह का टू पिन या हो या कहीं भी हो लगाने के लिए, चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम जगह मिलेगा, 3 वायर हो जाएंगे और ज्यादा इसमें जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, तो इसलिए हम जो मेन वायर यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अपना मेन वायर, इस वायर को हम छील लेंगे यहाँ से कटर की मदद से। जैसे कि हम यहाँ से निकाल के इसके मेन स्विच में स्विच के लिए वायर निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमने इसको डाल दिया अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीकी के साला हुआ है। अब इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद से अभी आपका ये बाहर की तरफ निकल जाएगा मेन क्या। अब हमको जो दूसरा कनेक्शन निकालना है यानी कि न्यूटन का, यानी कि जो न्यूटन का हमारा वायर निकलेगा वो हम चाहे तो ये जो हरा वाला है किसी भी हिस्से में से निकाल सकते हैं। चाहे तो हम इस हरे वाले में चाहे तो यहां से निकाल लीजिए या यहां से निकाल लीजिए यहां से निकाल लीजिए। तो हम अपनी सुविधा के लिए यहां से निकाल, इसमें हम ग्रीन कलर का वायर यूज करेंगे। जैसे कि ये वायर है तो इस साइड का हम यहां से खोल के इसको पूरी तरह से स्क्रू को खोलिएगा। खोलने के बाद से अच्छे से इसमें वायर को इनपुट कीजिएगा जो कि बाहर ना निकले, बाहर ना रहे। और हमेशा स्क्रू टाइट करने के बाद से एक बार वायर को थोड़ा सा घींच कर देख लें कि ये पूरी तरह से लगा हुआ है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से लगा हुआ है, नहीं निकल रहा है। अब हमारा ये जो कि है पूरी तरीके से काम करने के लिए रेडी है। अब हम एक बार आपको नॉर्मली समझा देते हैं। जैसे कि ये सप्लाई यहाँ से आएगी, ये सीधे आपका न्यूटन ये डायरेक्ट रहता है किसी भी तरीके से सारे स्विच सॉकेट में। जो हम कंट्रोल कर रहे हैं फेस कंट्रोल होगा हमारा। यहाँ से लाइट आई सप्लाई और ये दोनों हिस्से में चली जाएगी, ये स्विच के दोनों हिस्से में। जैसे ही हमारा स्विच ऑन होगा तो एक सप्लाई इस साइड में आ जाएगी, अगर ऊपर वाला स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से नीचे से एक सप्लाई
पूरी तरह से ये दोनों सॉकेट में चली जाएगी। आइए हम आपको लाइव दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सॉकेट है और अब हम इस सॉकेट में यहाँ पे ऐसे इसको डाला, पुश कर रहे हैं। डालने के बाद से इसको यहाँ पे ऐसे इनपुट कर लिया। अब देखिए अब ये चालू नहीं है, हम इसको चालू कर दिए। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जल गया, यानी कि हमारी सप्लाई इसमें आ चुकी है। ये देखिए हम इसी इंडिकेटर की बात कर रहे थे, यानी कि हमारी इससे हमें पता चल सके कि हमारे इसमें सप्लाई आया है कि नहीं। लेकिन हमारा ये जो सॉकेट है अभी देखिए अभी बंद है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। यहाँ से हमारी सप्लाई कट गई, बंद हो गया। जैसे कि हमारे पास एक मॉस्किटो किलर है, तो हम मॉस्किटो किलर को यहाँ पे डालेंगे ऊपर के हिस्से में, और ये नीचे वाला स्विच ऑन करेंगे तो हमारा एक साइड का चल रहा है। अब देखिए हम इधर ऊपर वाला चालू कर रहे हैं, नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊपर वाले की जो सप्लाई हमने कनेक्शन कर रखा है वो इस साइड कर रखा है। तो अब हम इधर डालेंगे, जैसे देखिए बिल्कुल चालू हो गया। अब इसके किसी भी हिस्से में हम डालेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से काम कर रहे हैं। आप हमारा वीडियो देखने के बाद से यहाँ पे हमने यूज किया नहीं किया, क्यों यहाँ पे यूज कर रहे हैं लेकिन नहीं चल रहा है। अब हम इसको चालू कर रहे हैं। चालू करने के बाद से इस कभी भी देखिएगा प्लग अच्छे से लगा है कि नहीं, नहीं लगेगा तो आपका वर्क काम नहीं करेगा। पूरी तरह अच्छे से प्रॉपर प्लग लगाइएगा। ये देखिए किसी भी हिस्से में पूरी तरीके से काम कर रहा है। तो हमें उम्मीद है आप हमारा वीडियो देखने के बाद से इस तरह का कंबाइंड बॉक्स की वायरिंग करनी होगी तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल टच। यहाँ से हमने इसको निकाला, अब जो इसका फाइनल हमको वायरिंग बाहर निकालना है। इसमें से कई हिस्से दे रखे हैं, किसी भी साइड में हमको अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कि हमारा यहाँ से वायर निकल रहा है ऊपर की तरफ, तो हम चाहें तो अपना ये जो साइड का दिया हुआ है निकालने का, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, इस हिस्से को तोड़ देते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। और यहाँ से हमने दो वायर बाहर की तरफ निकाल ली, ये हमारा निकल गया। और पीछे बिल्कुल इस तरह हमने पहले खोला था उसको लगा देंगे। देखिए ये चार स्क्रू हमारे जो थे वो अब लग जाएंगे। ये रहा एक स्क्रू हमारा, और कहाँ गया ये रहा। तो ये फाइनली हमारा हॉस्पर का जो कि है कंबाइंड बॉक्स तैयार हो चुका है। अब आप अपने घरों में लगाकर आप कुछ भी इसे चला सकते हैं। इस तरह के कंबाइंड बॉक्स की जब भी जरूरत हो हमें कॉल करें हमारे दिए गए नंबरों पे। अगर होलसेल में आपको लेना हो, दुकान के यूज के पर्पज से लेना हो, या वायरमैन है वायरिंग के पर्पज से भी लेना हो, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।